कल दरगाह थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तारागढ़ के रास्ते पे एक बोरे के अंदर, प्लास्टिक के कट्टे के अंदर कोई डेड बॉडी है। उसके सूचना के आधार पे SHO जो है वो मौके पे पहुंचा, और मौके पे पहुंच करके फिर हमारी जो FSL की टीम है और जो डॉग स्क्वाड है उसको मौके पे बुलाया गया, और डॉग को वहाँ पे जो खून था उसको सूंघा करके जब उसको रवाना किया गया तो डॉग ने एक संदिग्ध है उसकी तरफ जाकर के वो घूमने लगा, तो उसके आधार पे वो संदिग्ध को दस्तयाब किया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। जो मृतक है वो UP का रहने वाला है, इम्तियाज नाम है, और जो मर्डर करने वाला है वो मोहम्मद जाबिर है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। सर, मोहम्मद जाबिर के कोई साथी या अन्य कोई प्रकरण मोहम्मद जाबिर पे चल रहा है? मोहम्मद जाबिर का जो एक साथी है उसका हमने नामजद कर लिया गया है, और इसके अलावा जो इसके पूर्व के क्या प्रकरण है और किस तरह का कहीं उसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, इस क्षेत्र में खाना बदोश के अलावा थड़ी वाले, रिक्शा वाले, इनका भी वेरिफिकेशन काफ़ी लोगों का नहीं है, यहाँ तक कि कई अन्य लोग इस पूरे दरगाह क्षेत्र में, इसको किस तरीके से कवर किया जाएगा सर, थोड़ा सा बताओ। जो दरगाह क्षेत्र है उसके अंदर जो होटल है, ढाबे हैं और जो गेस्ट हाउस हैं, तो ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ रहने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं ताकि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन है वो उनको ना आए। मेरी ये सभी से गुजारिश है कि आपके यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं ताकि कोई क्रिमिनल है वो आपके आकर के यहाँ ना रुक पाए और आपको कानूनी समस्या का सामना ना करना पड़े। सर, दरगाह की सुरक्षा में काफ़ी पुलिस पहले लगी हुई थी जो अभी काफ़ी कम दिखती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी तो बहुत कम दिख रहे हैं। RSC हाड़ी रानी थी, उसके अलावा सर कम कैसे हुई है पुलिस बढ़ने की जगह, क्योंकि आगे में उड़ सा रहा है सर? नहीं, ये आपका जो व्यू है वो सही नहीं है, क्योंकि दरगाह के अंदर जो पुलिस लगी हुई है वो पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा हुआ है। हाड़ी रानी की एक कंपनी लगी हुई है, इसके अलावा हमारे रात के अंदर जो है वो हमारी अलग से गार्ड आती है, और जो दरगाह थाना है वो पूरा दरगाह सिक्योरिटी में लगा रहता है, उसकी हम सिटी के अंदर कहीं दूसरी जगह पे ड्यूटी नहीं लेते हैं। सर, दरगाह संपर्क सड़क पे एक दरगाह थाने की पुलिस चौकी है, जहाँ भी आए दिन व्यवस्था कुछ ना कुछ अनैतिक वहाँ गाड़ियाँ आती जाती है, अगर वहाँ भी पुलिसकर्मी बढ़ जाए या बढ़े, थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए सर। नहीं, पुलिसकर्मी कहीं पे भी अचानक से बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत जो जाब्ता है वो जब मिलेगा तब एक्स्ट्रा हम वो डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे, लेकिन दरगाह के लिए पर्याप्त मात्रा में जाब्ता है। सर, दरगाह में दो एक्सरे बोगेज मशीन है जो काफ़ी समय से खराब पड़ी है, उसके लिए क्या रहे?